बेटेटार नेपाल पहुंच चुके हैं, आगे से हम लोग राइट लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग गाइस आगे तक गए, काफ़ी दूर था। तो उसके बाद हम लोग पहुंचने के बाद हम लोग को एक ग्राउंड मिला गाइस, जहां पे दो रास्ता डिवाइड हो रहा था। एक राइडर्स लोग के लिए था, एक बाइकर्स लोग के लिए था, और एक रास्ता फुट जो पैदल यात्री है उन लोग के लिए था। तो हालांकि हम लोग राइडर्स है तो हम लोग को रोमांच बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग कहाँ बाइक छोड़ के जाने वाले थे। हम लोग डिसाइड किए, बारिश हो रहा है, फाइट्स फाइन, बट चलते हैं बाइक लेके। तो हम लोग ने आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे रास्ता था, पहले तो बहुत अच्छा था, पहले कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर जब हम लोग आगे और बढ़ते रहे, फिर रास्ता ऐसा मिला जहाँ पे हम लोग पिलियन राइडर जो को राइडर होते हैं उनको खुद उतरना पड़ा, मैं खुद उतरा। हालांकि हम लोग के ग्रुप में दो बुलेट्स था, एक R15 और एक MT15 था। दो बुलेट को बहुत ही निकलने में तकलीफ हुआ ड्यू टू वेट, और R15 भी बहुत जगह स्लिप स्किड कर रहा था। MT15 वेट बहुत ही हल्का है, 138 kg है, तो आप देख सकते हैं जो MT15 ईजिली निकल जाएगा। हालांकि मैं खुद जाके बुलेट और R15 को धक्का मार के निकाला। एज अ राइडर गाइज मैं सजेस्ट करूँगा बारिश के दिन खास करके वो रास्ते ना जाए जहाँ आप जिस रास्ते को आप पहचानते नहीं हैं,
क्योंकि बहुत टाइम आप फंस जाते हैं, लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। रेनी सीजन को अवॉइड कीजिए गाइस, रेनी सीजन में हिली स्टेशन को मत ही जाइए, एज आई सजेस्ट एज अ राइडर गाइस। सो हम लोग को यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हुआ, बहुत देर लग गया, हम लोग काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके थे इस रास्ते में। किसी तरह सारे बाइक को निकाला और उतरने के टाइम भी मुश्किलें हुई क्योंकि बारिश भी हो रहा था, रास्ता बहुत ज़्यादा गीला था। हम लोग किसी तरह धक्का मार के सारे बाइक को निकाला, फिर हम लोग धीरे धीरे अपने व्यू पॉइंट्स की ओर, मंजिल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते ऐसे ही है पूरे। सो गाइस प्लीज़ कंटिन्यू योर व्यूज़, देखते रहे वीडियो को। A few moments later. If you like my videos, please hit the like button and subscribe our channel to stay tuned more upcoming videos.